हेलो फ्रेंड्स, मैं मेरी आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, वास्तु की कुछ जानकारी दी थी, उनकी शेप, कलर और एलिमेंट्स बताए थे। तो आज मैं आपके लिए वास्तु की कुछ और जानकारी लेके आई हूँ। आज हमारा जो लेक्चर नंबर 1 है, आज से हम जितने भी लेक्चर करेंगे उनके लेक्चर वाइज मैं आपको उसमें बताऊंगी। तो जैसे कि आज हम पढ़ेंगे 3 डायरेक्शन के बारे में, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट। अब नॉर्थ डायरेक्शन हमारी जो है वो उत्तर दिशा, उत्तर दिशा यानी कि वाटर एलिमेंट। मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में भी बताया था, उत्तर दिशा जो हमारी नॉर्थ डायरेक्शन है वो वाटर एलिमेंट को रिलेट करती है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन और ईस्ट डायरेक्शन। अब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर हम यहाँ मंदिर बनाते हैं तो ये दोस्तों बहुत अच्छी जगह है। यहाँ आप मेडिटेशन करते हैं, आप यहाँ पे मंदिर बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। वैसे तो हम मंदिर नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक में किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हैं, पर स्पेसिफाई अगर आप बनाना चाहते हैं, कहीं मेडिटेशन करना चाहते हैं तो हम नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन लेंगे। अब इसी तरीके से हम नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। अब नॉर्थ डायरेक्शन क्या है? उत्तर दिशा पानी को रिलेट करती है। आपने आपका कोई होटल है या आप अपने घर में स्विमिंग पूल बनाना चाहते हैं तो आप नॉर्थ डायरेक्शन में अगर आप स्विमिंग पूल बनाते हैं, वहां लाइट ब्लू कलर की टाइल्स लगाती हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। आपने वहां कलर भी करा और एलिमेंट दोनों चीजें आपने दी। उसके साथ साथ हम बात करते हैं ईस्ट डायरेक्शन की। अब ईस्ट डायरेक्शन में आप वाटर, ग्रीनरी दोनों को रिलेट कर सकते हैं और प्लांट्स आप छोटे छोटे लगा सकते हैं ईस्ट डायरेक्शन में। दोस्तों, आज मैं प्लांट्स के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगी। ईस्ट डायरेक्शन में और नॉर्थ से ईस्ट तक में कभी भी हम प्लांट लगाते हैं, यहाँ छोटे प्लांट्स लगते हैं, यहाँ कभी भी बड़े प्लांट नहीं लगते। आप छोटे छोटे प्लांट लगा सकते हैं, खासकर यहाँ तुलसी का पौधा आप लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है, मनी वाइज भी आपके लिए अच्छा रहता है, घर में सुख समृद्धि आती है। ईस्ट डायरेक्शन में कभी भी आप रेड कलर के पॉट के अंदर आप प्लांट नहीं लगाएंगे। रेड कलर एंटी कलर है, क्योंकि रेड कलर फायर को रिलेट करता है और ब्लू कलर और रेड कलर आपस में एनिमी कलर है। तो आप जब भी कभी नॉर्थ से लेके ईस्ट तक में प्लांट्स लगाएंगे तो आप छोटे छोटे प्लांट्स लगाएंगे, बड़े प्लांट्स आपने नहीं लगाने, और साथ के साथ जो पॉट है, जो आपका गमला है वो रेड कलर का नहीं होना चाहिए नॉर्थ टूवर्ड ईस्ट के अंदर। जो भी प्लांट है वो आप ब्लू कलर के आप गमले में लगा सकते हैं, आप लाइट ग्रीन कलर के गमले में लगा सकते हैं। अगर नहीं आपको पसंद तो आप न्यूट्रल कलर, व्हाइट कलर के पॉट लगा सकते हैं। ये तो अभी तक हमने आपको प्लांट्स के बारे में बताया, आपके एलिमेंट के बारे में बताया। अब यहाँ क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए उसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ आप फ्रीजर रख सकते हैं, ओपन स्पेस, लिविंग रूम, बाथरूम, एंट्रेंस, टेम्पल, बालकनी, अंडर वाटर टैंक, जैसे कि मैंने अभी स्विमिंग पूल के बारे में बताया था, स्टडी रूम। यहाँ अगर बैठ के बच्चे पढ़ते हैं तो उनका मन लगता है, कंसंट्रेशन रहती है उनकी अपनी पढ़ाई के अंदर, वो बार बार डिस्टर्ब नहीं होते। और उसके बाद यहाँ गेस्ट रूम ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ क्या नहीं होना चाहिए। यहाँ मास्टर बेडरूम नहीं होना चाहिए, यहाँ पे टॉयलेट नहीं होना चाहिए। हमने बाथरूम के बोला है, नहाने के लिए आप यूज कर सकते हैं, बट टॉयलेट के लिए, डब्ल्यूसी के लिए आप यूज नहीं कर सकते। किचन के लिए आप यूज नहीं कर सकते, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था किचन में हमारा फायर का सेक्शन रहता है तो किचन में हम नॉर्थ में हम नहीं लेते। किचन के लिए मैं आपको बाद में बताऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। फिर हम यहाँ ले सकते, यहाँ हम क्या नहीं ले सकते, सेप्टिक टैंक। उसके बाद ओवरहेड टैंक, ऊपर वाला हमें जो ओवरहेड टैंक है वो यहाँ नहीं लेना, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए। यहाँ हम खाली अंडर वाटर टैंक ले सकते हैं। और क्या अवॉइड करना चाहिए, रेड कलर। नॉर्थ में जब भी कभी रेड कलर रहेगा घर में प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी। अगर आपने मंदिर बनाया है तो मंदिर के अंदर भी आप रेड कलर का कुछ नहीं करेंगे। अगर आपने लेना है लाइट कलर के आप ले सकते हैं, जो भी आपने भगवान जी को कपड़े पहनाने हैं या कोई भी वहां बिछाना है वस्त्र, आपने जो भी आपने मंदिर से रिलेटेड चीजें करनी है वो आपने रेड कलर को अवॉइड करना है। जो भी लेना है लाइट कलर के आपने चीजें लेनी है। और आपको प्लांट्स के लिए जैसे मैंने बताया, यहाँ आपको पॉट नहीं लेना रेड कलर में। कलर आपके कौन कौन से हैं, लाइट ब्लू, लाइट ग्रीन, ये कलर्स हमारे इस डायरेक्शन के होने चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी जो नॉर्थ डायरेक्शन है ये आपके पैसे रखने की यानी कि कुबेर जी की डायरेक्शन है। अगर आपके इस डायरेक्शन में प्रॉब्लम है तो घर के अंदर पैसा नहीं टिकेगा। प्रॉब्लम कैसे हम देखेंगे, प्रॉब्लम हम ऐसे देखेंगे, या तो यहाँ पे आपके टॉयलेट है,
या आपने इस वाले स्पेस में बहुत ज्यादा आपको भर रखा है यहाँ, क्योंकि हमें लाइट जो भी सामान रखना है वो हल्का रखना है, इसीलिए हम यहाँ पे ड्राइंग रूम लिविंग रूम हम यहाँ बनाते हैं, क्योंकि जो भी मटेरियल रहेगा वो आपका लाइट वेटेड रहेगा, हैवी वेटेड वेट नहीं चलेगा। हैवी वेट के लिए भी आगे मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगी कि हैवी वेट कहाँ रखना है। यहाँ जितना भी आपने स्पेस रखना है ओपन स्पेस, लाइट आनी चाहिए, जितनी लाइट ग्रीनरी और वाटर बॉडी यहाँ रहेगी, आप मनी वाइज माइंड वाइज हेल्थ वाइज तीनों आपकी बिल्कुल सही रहेगी। अब मनी अगर आपके घर के अंदर यहाँ कहीं आपका रेड कुछ है या किसी भी तरीके का आपने हैवी दे रखा है, तो आपका बहुत कोशिश करने के बाद भी पैसा नहीं टिकेगा। नॉर्थ डायरेक्शन आपकी अपॉर्चुनिटी की भी डायरेक्शन है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी, बच्चों की स्टडी में प्रॉब्लम्स आएगी, उनके करियर को लेके प्रॉब्लम आएगी। तो हमने यहाँ पे जितनी साफ सफाई, यहाँ कभी भी डस्टबिन नहीं होना चाहिए, खास करके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कभी टॉयलेट होता है तो 100% यहाँ पे ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर हो जाएगा। तो हमने ये हमेशा ध्यान रखना है कि टॉयलेट कभी भी नॉर्थ ईस्ट में नहीं आना चाहिए। ये नॉर्थ ईस्ट जोन क्योंकि वास्तु पुरुष का सर है, किसी के सर के ऊपर आप इस तरीके की चीज रखोगे तो आपके घर में वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे आप नहाने से रिलेटेड बाथरूम बना सकते हैं, बट टॉयलेट नहीं बना सकते। अगर आपने यह टॉयलेट बनाया तो ब्रेन डिसऑर्डर के साथ साथ किसी किसी को ऐसा होता है कि एकदम से चक्कर आके वो गिर जाए, ऐसी भी प्रॉब्लम, जो भी वट एवर किसी भी तरीके की सिर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सिर में लगातार दर्द रहना, आपके घर में किसी भी तरीके की परेशानी आना, पैसा होगा, पैसा होने के बावजूद भी आपका वो पैसा कहाँ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बीमारी में। तो यहाँ हमने टॉयलेट का खास का ध्यान रखना है कि यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आपको टॉयलेट देना। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सेस की, हम आगे पीछे कुछ भी काम कर सकते हैं। जो ये पॉइंट्स आते हैं, जैसे नॉर्थ का पॉइंट है, नॉर्थ ईस्ट का पॉइंट है, ईस्ट का पॉइंट है, एक्सेस पे कभी भी कोई चीज नहीं देनी चाहिए। जो भी आपका एक्सेस पड़ेगा उसे हमें थोड़ा सा आगे पीछे करके वो जगह हमने लेनी है। अभी तक हमने क्या क्या सीखा, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये सब चीजें आपको नॉर्थ से लेकर ईस्ट डायरेक्शन की मैंने आपको बताई। अब कहीं मैंने काफी लोगों के सुना है कि मनी हमारे पास बहुत है और मेरा पैसा रुक जाता है, तो यानी कि आप डायरेक्ट वो चीज सोच सकते हैं, यानी इनका नॉर्थ का जो है वो पोर्शन प्रॉब्लम में है। मनी रुकने की एक साउथ ईस्ट की भी दिक्कत होती है, वो मैं आने वाले लेक्चर में आपको बताऊंगी, पर जब तक आपका नॉर्थ जोन सेफ नहीं है तो पैसा आपके घर में बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, उनको अगर घर में नौकरी कोई ढूंढ रहा है तो अपॉर्चुनिटीज भी उनको आते आते भी आप पे रुक जाएगी। तो आपने ये सब चीजें ध्यान रखनी है जो मैंने आपको बताई है, कि अगर आपके घर में नॉर्थ डायरेक्शन में ये सब चीजें हैं तो आपने ध्यान रखना है। नॉर्थ डायरेक्शन में सीढ़ियां भी नहीं होनी चाहिए, आप ईस्ट में ले सकते हो, आप प्रॉपर नॉर्थ में स्टेयर्स नहीं ले सकते क्योंकि स्टेयर्स का जो वेट होता है वो हैवी है। तो हम यहाँ पे अभी क्या सीख रहे हैं, यहाँ पे जो भी चीज होगी आपने लाइट वेटेड रखना है, और लाइट वेट में आप ओपन स्पेस देना है, सामान हल्का हल्का रखना है, और यहाँ पे हमेशा साफ सफाई रखनी है। ये सब बातों का हम लोगों को ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं ईस्ट डायरेक्शन की। अगर आपके ईस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम है तो आपके सोशल रिलेशनशिप, आप किसी से अपने फ्रेंड्स वगैरह से कटते रहेंगे, क्योंकि सोशल रिलेशनशिप की आपकी एक डायरेक्शन है। यहाँ पे हम ईस्ट डायरेक्शन हम मोस्टली देखते हैं जो पॉलिटिकल, जैसे जो बिजनेस राजनीति के उससे जुड़े हुए हैं, या जिनका सोशल रिलेशनशिप जैसे बिजनेसमैन है, उनके लिए हम ईस्ट डायरेक्शन जरूर देखते हैं कि उनकी कैसी है। खासकर राजनीतिज्ञों के लिए ईस्ट डायरेक्शन हमेशा सही रहनी चाहिए, क्योंकि उनका पॉलिटिकल करियर इसी पे ही डिपेंड करता है। दूसरी चीज हम जो बात करते हैं ईस्ट डायरेक्शन में, आप अब हम बात करेंगे पिक्चर्स की, आप किस तरीके के पिक्चर्स किस डायरेक्शन में लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं जैसे कि नॉर्थ में, नॉर्थ वाटर का है, कुबेर जी का है, पैसों को रिलेट करता है, तो अब हमारे पास कितनी सारी चीजें हो गई। अब यहाँ पे हम कुबेर जी की फोटो लगा सकते हैं अपने नॉर्थ डायरेक्शन के डिफेक्ट को दूर करने के लिए, कि कुबेर जी बैठे हुए हैं, उनके पास पैसा है तो उनकी डायरेक्शन उनको मिला है तो आपको भी आगे मिलेगा। इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन, माइंड में क्लियरिटी नहीं आ रही, बार बार आप चीजें भटक जाते हो, क्यों? क्योंकि आपका नॉर्थ ईस्ट डिफेक्ट है।
तो इसीलिए हमने माइंड में क्लियरिटी के लिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में क्या लगाना है, स्वान की फोटो। आप लोगों को, बहुत लोगों को पता होगा स्वान, अगर आप हंस की फोटो, हंस को देखा होगा तो दूध और पानी, वो दूध दूध पी जाएगा और पानी छोड़ जाएगा। तो यानी कि उसका दिमाग चलता है, उसके दिमाग में क्लियरिटी है। तो हमें अपने दिमाग में क्लियरिटी लाने के लिए हंस की यहाँ पे फोटो लगानी चाहिए। तो पहले हमने क्या देखी, आपने नॉर्थ में कुबेर जी की लगानी है, नॉर्थ ईस्ट में हंस की लगानी है, और ईस्ट में आप किसकी लगाएंगे, सूर्य की, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन सूर्य को रिलेट करता है। तो ईस्ट डायरेक्शन जो है वो सूर्य की डायरेक्शन है। तो अब हमने तीनों चीजें, मैंने आपको तीन डायरेक्शंस के बारे में बताया, उनकी आपको पिक्चर्स बताई किस किस तरीके की होनी चाहिए और वहां क्या नहीं होना चाहिए, ये सब चीजें मैंने बताई है। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम आप मुझे बता सकते हैं कि आपके घर में किस तरीके का क्या वास्तु डिफेक्ट है, आप मुझे, मेरे को कमेंट करके आप बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।